हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2। क्वेश्चन नंबर 6 to 10 करेंगे। कल की वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 and 5 कंप्लीट किया था। तो अभी तक आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार देख लेंगे, क्योंकि उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आज करेंगे। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर 6 है, ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10%। यानी एक सेल के दौरान एक शॉप ने 10% का डिस्काउंट किसी भी चीज पर दिया, और वो जो डिस्काउंट मिला वो किस पर मिला? वो मार्क्ड प्राइस पर मिला, यानी सेल प्राइस पर नहीं मिला, मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस क्या होता है? तो बच्चे थोड़ा सा डिफरेंस होता है मार्क्ड प्राइस और सेल प्राइस में। जब दुकानदार, आप लोग देखते होंगे किसी भी चीज को खरीदने से पहले उस पर जो पैसे लिखे हुए होते हैं, है ना, तो कुछ पैसे लिखे हुए होते हैं और दुकानदार बोलता है कि नहीं ये इतने का नहीं, इतने का है, है ना। जैसे मान लो किसी भी टॉय पर 100 रुपीज लिखा हुआ है और शॉपकीपर ने बोला ये 90 रुपीज का है, तो आप बोलोगे क्या डिस्काउंट मिलेगा? तो वो बोलेगा कि मैं 10% का डिस्काउंट दे दूंगा इस पर। ठीक है, तो किस पर देगा वो डिस्काउंट? वो इस पर डिस्काउंट दे रहा है आपको, है ना। यहाँ ये पूछा गया है कि डिस्काउंट किस पर है, तो मार्क्ड प्राइस पर डिफरेंस। डिस्काउंट का मतलब है जो प्राइस उस पर पड़ी हुई है, जिस प्राइस पर वो सेल नहीं कर रहा है, जो प्राइस उस पर पड़ी हुई है वो मार्क्ड प्राइस होती है, एमपी कहते हैं जिसको। ठीक है, व्हाट वुड अ कस्टमर हैव टू पे फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स? यानी कस्टमर क्या पे करेगा अगर उसने एक पेयर ऑफ जीन्स, एक पेयर ऑफ जीन्स का मतलब एक जीन्स है, ठीक है, एंड टू शर्ट मार्क्ड एट ₹850। यानी एक पेयर ऑफ जीन्स का मतलब एक ही जीन्स खरीदी उसने ₹1450 की, और दो शर्ट खरीदी है ₹850 ईच। यानी दो की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसको। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि कस्टमर क्या पे करेगा। तो सबसे पहले तो जितना कॉस्ट है उस कॉस्ट को हम निकाल लेंगे कि एक पेयर ऑफ जीन्स का और टू शर्ट का कॉस्ट प्राइस है क्या, यानी कॉस्ट है क्या। चलो देख लेते हैं, ऐसे लिखेंगे टोटल एमपी लिख देती हूँ मैं। ठीक है, तो जितना जीन्स का था 1450 प्लस 850 इंटू 2, क्यों? क्योंकि ये एक शर्ट का है और शर्ट्स कितनी है? 2 है। ठीक है, तो जब इन दोनों को प्लस करोगे आप तो क्या आ जाएगा आपका? 3150 रुपीज आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल एमपी पता चल गई, यानी टोटल जो मार्क प्राइस थी वो 3150 थी, और गिवन डिस्काउंट क्या है? क्या है गिवन डिस्काउंट? 10%। 10% का डिस्काउंट किस पर? इस पर है 10% का डिस्काउंट। ठीक है, तो क्या होगा? डिस्काउंट इज इक्वल टू किस पर? 3150 का 10% ऐसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, कितना आ गया? 315 रुपए का डिस्काउंट आ गया। अब वो पे क्या करेगा? वो 3150 रुपीज में से 315 रुपीज को लेस करके पे करेगा, यानी जो सेल प्राइस होगी वही उस कस्टमर के लिए कॉस्ट प्राइस होगी, जो किसी भी शॉपकीपर के लिए सेल प्राइस होगी वही उस कस्टमर के लिए, यानी खरीदने वाले के लिए वो कॉस्ट प्राइस होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं? डिस्काउंट मिला हमें इतना, तो हम क्या कर सकते हैं? सेल प्राइस बोल सकते हैं इसको, है ना, सेल प्राइस बोल सकते हैं। तो 3150 माइनस 315, ठीक है, 2835 रुपीज, ये उसको पे करना होगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था कि कितना कस्टमर को पे करना है? तो लिखेंगे द कस्टमर विल हैव टू पे कस्टमर will have to pay 2835 रुपीज। ठीक है, ये उसको पे करना होगा, बस समझ गए बात को। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अ मिल्कमैन सोल्ड टू ऑफ हिज बफेलोज फॉर रुपीज
20,000 ईच, यानी एक जो उसकी बफालो की कॉस्ट थी वो क्या थी, 20,000। तो दो की कितनी हो गई, 40,000 टोटल हो गया। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं सीपी ऑफ ईच बफालो इज इक्वल टू रुपीज 20,000। ठीक है, और एक पर वो 5% का प्रॉफिट लेता है और एक पर वो 10% का लॉस लेता है। ठीक है, यानी जब उसे सेल करता है तो एक पर उसे 5% का प्रॉफिट मिलता है और एक पर उसे 5% का लॉस मिलता है। तो हम क्या करेंगे, हम अलग अलग निकाल लेते हैं, बाद में ऐड कर लेंगे। नहीं तो भाई सीपी 100 मानो, एसपी कितनी हो जाएगी, एक पे 5% हो जाएगी, इस तरीके से निकालना। चलो हम लोग सिंपल तरीके से निकालते हैं ताकि आप लोगों को भी समझ में आ जाए। ठीक है, अब जो उसने 5% गेन में निकाली थी, यानी जिस बफलो पर उसको 20% प्रॉफिट हुआ था, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला आपको पता है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू पी अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। यही फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट परसेंट भी दिया हुआ है तो प्रॉफिट परसेंट की जगह पर आप प्रॉफिट परसेंट लिख लो। ठीक है, इनटू 20,000 अपॉन 100 इज इक्वल टू पी। तो जीरो से ये जीरो कट हो जाएंगे, 5 2 जा 10, 1 2 कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ उसको, 1,000 रुपीज का प्रॉफिट हो गया उसको। ठीक है, 1,000 रुपीज का प्रॉफिट हो गया उसको जब उसने 5 रुपए का 5% का प्रॉफिट लिया। ठीक है, तो यहां मैं लिख दूं प्रॉफिट ऑन वन बफल। ठीक है, अब देखो तो ये कितने की हो गई, 20,000 प्लस 1,000 कर देंगे। ठीक है, ये इतने हो गए रुपए इसके। अब लॉस ऑन अदर बफेलो, कितने का लॉस हुआ था, दूसरी वाली पर उसे 10% का लॉस हुआ है, तो क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू पी अपॉन 20,000 इंटू 100। तो पी परसेंट लिख देंगे, 10% इंटू 20,000 अपॉन 100 इज इक्वल टू पी। दो जीरो से दो जीरो कट हो जाएंगे, तो P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2,000। यानी लॉस कितने का हुआ उसको, 2,000 का लॉस हुआ। तो यहां हम क्या करेंगे, 20,000 में से 2,000 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो गया यहां पर, 10 में से डूब गया 8 और ये 1, तो ये हो गई आपकी 18,000 की। ठीक है ना, यानी जिस पर 10% का लॉस था वो 18,000 में सेल की उसने, और जिस पर 5% का प्रॉफिट था वो 21,000 में सेल की। अब पूछा क्या है आपसे, पूछा है आपसे ओवरऑल गेन और लॉस। तो टोटल सीपी यहां निकाली थी ना, देखो टोटल सीपी 20,000 प्लस 20,000 इज इक्वल टू 40,000। ठीक है, अब लिखेंगे आफ्टर पी एंड लॉस सीपी इज इक्वल टू, यानी एक पर प्रॉफिट और एक पर लॉस के बाद 21,000 और ये 18, दोनों को प्लस कर लो, कितना हो गया 9 और ये 3। तो देखो ओवरऑल क्या हुआ है, ओवरऑल क्या हुआ है, लॉस हुआ है, क्योंकि जब वो दोनों को ना तो प्रॉफिट में बेच रहा था ना सेल में बेच रहा था, जो उनकी कॉस्ट थी वो 40,000 थी। ठीक है, जो कॉस्ट थी उनकी वो 40,000 रुपीज थी, लेकिन जब उसने एक को प्रॉफिट पर और एक को लॉस पे बेचा तो उसको 39,000 उसने दोनों को सेल किया, इसका मतलब 1,000 रुपीज का उसको नुकसान हो गया। ठीक है, समझ में आया, 1,000 रुपीज का उसको नुकसान हो गया। तो क्या बोलेंगे, लॉस
इज इक्वल टू 40,000 माइनस 39, 40,000, हाँ एक जीरो मैंने ज्यादा लगा दी, 3 जीरो आएंगी, ये ज्यादा लगा, ठीक है, माइनस कर दो, 10 में से 9 गया 1, और ये 1000 रुपीज का उसको क्या हो गया, लॉस हो गया, परसेंट नहीं पूछा है, केवल लॉस और गेन पूछा है, तो लॉस हुआ है उसको कितने रुपीज का, 1000 रुपीज का उसको लॉस हुआ है, ठीक है, तो लिखेंगे ओवरऑल लॉस ऑफरुपीज 1000 रुपीज का उसको लॉस हुआ है, क्लियर बात, समझ में आ गया सभी को, ठीक है, चले आगे, चलिए नेक्स्ट वाला देखो, द प्राइस ऑफ अ टीवी इज 13,000, द सेल्स टैक्स चार्जेस ऑन इट इज एट द रेट ऑफ 12%, फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाइज, वो कह रहा है टीवी की जो कॉस्ट थी वो 13,000 रुपीज थी और जो सेल टैक्स चार्ज था वो 12% था, तो 12% किस पर लगेगा सेल टैक्स चार्ज, वो 12% इस 13,000 पर लगेगा, यानी 13,000 का आपको 12% निकालना होगा और वो इसमें 13,000 में एड करना होगा, बस तो जो उसको पे करना है वो निकल कर आ जाएगा आपका, ठीक है, चलो देखो, कॉस्ट ऑफ टीवी इज इक्वल टू 13,000, ठीक है, अब सेल्स टैक्स इज इक्वल टू 12%, ठीक है, तो लिखेंगे 13,000 का 12% आप निकाल लोगे, ठीक है, 36 और 12 वन जा 12, 13, 14, 15, 56 और ये 0, इतने रुपीस, ठीक है, तो क्या निकल कर आया, 1560 रुपए उसको क्या देने होंगे, टैक्स देना होगा, 1560 रुपए उसको क्या देने होंगे, टैक्स देना होगा, जो 13,000 रुपए था, ठीक है, जो 13,000 रुपए पर था, अब आप क्या लिखोगे, रिक्वायर्ड अमाउंट, इज इक्वल टू जो कॉस्ट प्राइस है उसकी प्लस जो एसटी है, ठीक है, तो 13,000 उसकी कॉस्ट प्राइस थी और 1560 क्या था उसका सेल्स टैक्स चार्ज था, तो टोटल मनी जो उसको पे करनी होगी वो ये करनी होगी, ठीक है, ठीक है, देयरफॉर विनोद विल हैव टू पे 14560 रुपीज फॉर द टीवी, देखो जो भी सेल्स टैक्स लगता है ना, जो भी एसटी लगती है वो किस पे लगेगी, वो उस शॉपकीपर के लिए सेल प्राइस पर और आपके लिए कॉस्ट प्राइस पर लगेगी, जिस प्राइस पर आप उसे परचेज कर रहे हो, है ना, तो जो भी कॉस्ट प्राइस है या आपके लिए जो कॉस्ट प्राइस है या शॉपकीपर के लिए जो सेल प्राइस है, आप उस पर उतना परसेंट निकाल दोगे जितने परसेंट का सेल टैक्स निकल रहा है, ठीक है, उतना परसेंट निकाल कर आप क्या करोगे, उसको उसमें टोटल जो कॉस्ट है आपकी, जो भी आपकी किसी भी थिंग की कॉस्ट है उसमें ऐड कर दोगे, तो जो टोटल अमाउंट आपको पे करना है वो निकल कर आ जाएगा, क्लियर, चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं, नेक्स्ट है अरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्केट्स एट अ सेल वेयर द डिस्काउंट गिवन वाज 20%, यानी एक सेल में से खरीदा जिस पर 20% का डिस्काउंट था, इफ द अमाउंट ही पेज इज रुपीज 1600, फाइंड द मार्क प्राइस, अब पहले मार्क प्राइस दी हुई थी, अब आपसे मार्क प्राइस पूछी है, यानी 20% का किसी चीज पर उसको डिस्काउंट मिल रहा है और डिस्काउंट मिलने के बाद उसने पे किया है 1600, तो ये बता दो उसकी मार्क प्राइस थी क्या, तो देखो जब मार्क प्राइस नहीं मालूम है तो हम क्या लिखेंगे, उसको एक्स लिखेंगे, लेट द एमपी इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, अब डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, डिस्काउंट अपॉन एमपी,
100, यही तो होता है भाई। परसेंट कैसे निकालोगे, जो डिफरेंस है उसको रखे हुए ऊपर और नीचे, जिस पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। अगर कॉस्ट प्राइस पर डिस्काउंट दिया जा रहा है तो नीचे सीपी लिखोगे, अब मार्केट प्राइस पर डिस्काउंट दिया जा रहा है तो नीचे एमपी लिखोगे, ठीक है। अब देखो डिस्काउंट दिया हुआ है आपको 20% का, एमपी आपको निकालनी है ना, एमपी आपको निकालनी है तो एमपी को आप यही लिखा रहने दोगे, क्या करोगे? चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बताती हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, डिस्काउंट परसेंट इंटू एमपी इज इक्वल टू डी इंटू 100। अब आपको एमपी निकालनी है ना, तो इसको डिस्काउंट को आप नीचे ले जाओ, एमपी इज इक्वल टू डिस्काउंट इंटू 100 अपॉन डिस्काउंट परसेंट, ठीक है, समझ में आ गया। डिस्काउंट कितने का था, 20%, अच्छा नहीं नहीं डिस्काउंट नहीं निकालना, अभी हमको एमपी नहीं निकालनी, देख एमपी हमने एक्स माना है और डिस्काउंट परसेंट हमें दिया हुआ है, सबसे पहले हम डिस्काउंट फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए फॉर्मूला जो होता है वही लगाएंगे, डी अपॉन एमपी इंटू 100। अब क्या करेंगे, जो जो जहां जहां दिया हुआ है लिख दो, डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है, डी नहीं दिया हुआ है और एमपी दिया हुआ है, मतलब एमपी हम लोगों ने लेट कर लिया अपने आप से। तो 20x अपॉन 100 इज इक्वल टू डी, यानी डिस्काउंट निकल कर आ गया, जीरो से जीरो कट गई, ये 5, यानी x अपॉन 5 इज इक्वल टू डिस्काउंट निकल कर आ गया, ठीक है, डिस्काउंट निकल कर आ गया। अब डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या है, एमपी माइनस एसपी। डिस्काउंट किस पर होता है भाई, जो मार्क्ड प्राइस है और जिस पर आपने सेल किया है उनका जो डिफरेंस होता है वही डिस्काउंट होता है। और डिस्काउंट आपने माना कितना, x अपॉन 5, एमपी अब निकाल लेंगे, ठीक है, एमपी आप निकाल लेंगे और सेल प्राइस दी हुई है 1600। तो एमपी इज इक्वल टू क्या करोगे, जल्दी से बताओ, एमपी इज इक्वल टू जल्दी बताओ क्या करोगे, एमपी कितना है, अभी एमपी एक्स है, एमपी की प्लेस पर यहां एमपी लिखेंगे, ठीक है। अब जब 1600 को इस साइड लेकर जाओगे और एक्स अपॉन 5, ठीक है, वो इस तरफ लेकर आओगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा, यानी एक्स माइनस एक्स अपॉन 5, ठीक है। 1600 इज इक्वल टू 4x अपॉन 5, तो x इज इक्वल टू 1600 इंटू 5 अपॉन 4, 4 जा 16 और जब मल्टीप्लाई करोगे तो 4 5 जा 20 और ये 2 0, यानी ये क्या निकल कर आ गया आपका, MP निकल कर आ गई, ठीक है, क्योंकि MP हमने x मानी थी, तो लिखेंगे therefore the marked price was रुपीज 2000, ठीक है, समझ में आ गया। सबसे पहले एमपी मान लिया, लेट कर लिया एक्स, डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है उससे हम डिस्काउंट निकाल लेंगे और जब डिस्काउंट पता चल जाएगा तो डिस्काउंट इज इक्वल टू होता है एमपी माइनस एसपी, यानी मार्क्ड प्राइस माइनस सेल प्राइस। तो उससे आप क्या निकाल लोगे, उससे आप अपना एक्स की वैल्यू जो आपने एमपी माना था वो निकाल लेंगे, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया ना एकदम। चलो नेक्स्ट वाला देखो, I purchase a hair dryer for rupees इतना for including 8% VAT, value added tax, ठीक है, 5400 का dryer खरीदा जिसमें including था 8%, find the price before VAT was added, VAT से पहले आपको उस चीज की value बतानी है कितनी थी, तो ये बताओ कितने percent VAT है, कितने percent VAT है, 8% VAT है, तो जो आपको कॉस्ट दी है इसका आप या तो 8% निकाल के माइनस कर दो, नहीं तो क्या करोगे, दूसरा तरीका बताती हूं मैं आपको, सबसे पहले जो दिया हुआ है उसे लिखो, कॉस्ट ऑफ हेयर
ड्रायर इज इक्वल टू रुपीज 5400, ठीक है। वैट कितना लगाया, 8%। वैल्यू बिफोर वैट, देखो या तो आप ये कर लो 5400 का 8% निकाल दो, ठीक है, उस जीरो से जीरो कट गया, 8 4 32 और 8 5 40 और ये 43, तो ये अब क्या करोगे, इसको आप माइनस कर दो, 4 3 2, 10 में से 2 माइनस 8, 9 में से 3 गया 6, और यहां पर 13 में से 4 माइनस करो तो बचेगा 9 और ये 4 9 6 8, ठीक है, क्या आएगा आपका 4 9 6 8 आएगा, ठीक किया है मैंने, एक बार देख लेते हैं। जीरो से जीरो 32 3, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। आई परचेज अ हेयर ड्रायर फॉर रुपीज 5400 इंक्लूडिंग 8% वैट, यानी कोई भी हेयर ड्रायर आपने खरीदा है जो वैट के साथ है, और वैट कितना है, 8% वैट है, ठीक है, 8% वैट है, तो आप क्या करोगे कि जो आपको कॉस्ट दी हुई है इसमें से आपको 8% हटाओगे, तब आपको क्या पता चलेगा, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द प्राइस बिफोर वैट, वो वैल्यू आपको पता चलेगी जो वैट लगने से पहले दी। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है ना उसे लिख लो, ठीक है, लिखो कॉस्ट ऑफ हेयर ड्रायर इज इक्वल टू 5400, आफ्टर वैट है ये, आफ्टर वैट, और यहां आप लिख लो लेट the cost of dryer before VAT, ठीक है, is equal to X, यानी before VAT हमें नहीं मालूम है तो हमने लिख लिया X, और cost of hair dryer after VAT 5400, और VAT कितना है, 8% VAT है, तो ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे भाई, हम क्या करते हैं, जितना हमें डिस्काउंट मिलता है या जितना हमें परसेंट सेल्स टैक्स देना होता है वो हम उस कॉस्ट प्राइस में मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। तो देखो कॉस्ट प्राइस क्या थी हमारी, एक्स, एक्स का 8%, तो हम क्या कर सकते हैं, 8% मतलब 100 + 8, ठीक है, एक्स का 8%, तो वन एक साथ निकालो, या तो आप ऐसे निकालो एक्स इंटू 8/100, तब आपको मल्टीप्लाई डिवीजन ज्यादा करना होगा, तो बजाय इसके भाई 8% प्लस हो रहा है ना, तो क्या करोगे आप,
हंड्रेड में एट प्लस कर दो, 100% होता है टोटल, तो 100 में 8 प्लस कर दो, तो x का 108 अपॉन 100 इज इक्वल टू इतना पे किया उसने, तब इतना पे किया, यानी जब उसने किसी भी टोटल कॉस्ट पर 8% का वैट दिया तब उसने इतना पे किया। समझ गए बात को, है ना। अब क्या करोगे, अब x की वैल्यू निकाल लो यहां से, 5400 × 100 ऊपर और 108 नीचे, तो x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 5000 रुपीज, तो आपकी कॉस्ट प्राइस निकल कर आ गई। लिखोगे देयरफॉर द सीपी ऑफ हेयर ड्रायर बिफोर वैट इज 5000 रुपीज। ठीक है, ये आपका आंसर निकल कर आ गया। क्लियर हो गया सबको, है ना। क्वेश्चन हो बेटा, थोड़े से टफ है क्वेश्चन, थोड़े लेंथी भी है क्वेश्चन, लेकिन समझो बात को और एक बार प्रैक्टिस करो। वेल, वीडियो देखेंगे देन उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, तो ये सम आपसे बहुत इजीली निकल आएंगे। बस क्या करना है आपको, एक बार फॉर्मूला माइंड में सेट करना है, केवल फॉर्मूला माइंड में सेट करना है, और ये ध्यान रखना है कि जब किसी चीज में इंक्रीमेंट होता है तो 100% में वो परसेंट ऐड कर देते हैं, और जब किसी चीज में परसेंटेज का डिक्रीमेंट होता है तो उसमें से उतना माइनस कर देते हैं। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है, बाकी क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। अब आप लोगों को एक तो मुझे वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके मुझे सभी लोग बताएंगे कि वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में शेयर करेंगे। क्लास का टाइमिंग सभी को मालूम है 1:30 PM, है ना, और जो लोग आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सभी लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, वो सभी लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे आगे के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।